चैनल कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं कोकोनट ऑयल का, पैरासूट का कोकोनट ऑयल। इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, कैसा ये प्रोडक्ट है, कैसे आपको यूज करना है, कौन कौन इसका यूज कर सकता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, सारी बात इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को कम्प्लीट देखना, तब भी आपको समझ में आने वाला है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कोकोनट ऑयल है ये पैरासूट का कोकोनट ऑयल है, यानी कि ये जाना माना ब्रांड है, बिल्कुल न्यू ब्रांड नहीं है। तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो कोकोनट ऑयल का यूज किया होगा या अभी भी बहुत से लोग कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो मैं अभी भी इस कोकोनट ऑयल का यूज करती हूं अपने बालों में मसाज करने के लिए और इससे मेरे बाल बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं। एक नेचुरल ऑयल है, आप देख सकते हैं 100% इसमें कोकोनट ऑयल है, इसमें कोई भी अनदर ऑयल्स का यूज नहीं किया गया है। जैसे वेजिटेबल ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, उन सबका यूज नहीं किया गया है, ये 100% कोकोनट ऑयल है। इस पर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड ये मेरे पास बड़ा पैक है, इसके छोटे भी पैक आते हैं। आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, बिल्कुल आप परेशान है हेयर फॉल से, तो आप इसका यूज जरूर करें गाइस। इसको कंटिन्यू आपको मसाज करना है अपने बालों में, नहाने से पहले इसको मसाज करना है। कम से कम आपको हाफ एन आवर तक अपने बालों में इस तरीके से मसाज करेंगे और उसके बाद अगर आप अपना हेयर वॉश करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपको हेयर फॉल से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। एंड अगर आपके बाल समय से पहले व्हाइट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आजकल की जनरेशन के समय से पहले ही बाल सफेद आने लग गए हैं, तो उसके लिए ये जो ऑयल है ये बेस्ट ऑयल है गाइस। आप कोई भी ऑयल यूज करके देख लेना, आपको ये जो ऑयल है ये जितने बेनिफिट देगा आपको कोई भी ऑयल नहीं दे सकता। अगर आपके सफेद बाल हो रहे हैं तो इसको लगाना, आप इसकी मसाज करना अपने बालों में, थोड़े दिनों के बाद आपको अपने बाल सिल्की और स्मूथ दिखने वाले हैं, क्योंकि ये जो कोकोनट ऑयल है ये सच में बालों के लिए एक रामबाण है। आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन ऐड करता है, आपके बालों को शाइनी बनाता है, सिल्की बनाता है और स्मूथ बनाता है। इस कोकोनट ऑयल का कंटिन्यू यूज करने से आपके जो बाल हैं वो थिक होते हैं, बहुत ज्यादा ये बालों को बाउंसी बनाता है और आपके बालों में फ्रीजीनेस होती है, जो ड्राइनेस होती है उसको कम करता है। तो मेक श्योर कि आप डेली इस ऑयल का यूज करें क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको हेयर फॉल से रिगार्डिंग या फिर डेंड्रफ आपके बालों में या बहुत ज्यादा बाल दो मुंह के हो रहे हैं, स्प्लिट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है गाइस, ट्रस्ट मी। एंड मैं इसका कंटिन्यू यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया कोकोनट ऑयल का यूज करते हुए। अगर आप बेबीज को यूज करना चाहते हो तो बेबीज को भी इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर आप बेबीज के स्किन पे इसकी मालिश करते हैं तो हेल्दी रहती है उनकी स्किन, कोई भी उनको इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है। इसको सभी यूज कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के अगर आप हो तो कोकोनट ऑयल का बेझिझक आप यूज कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है गाइज, मुझे खुद पर्सनली बहुत टाइम हो गया इसको यूज करते हुए। इसको यूज करने के बाद एक ठंडक सी रहती है सिर में, स्कैल्प में जब आप इसकी मसाज करते हैं तो ये स्कैल्प को रिलैक्स करता है। और अगर आपके स्कैल्प में कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपके स्कैल्प रूखी है या फिर ऑयली है या फिर बहुत ज्यादा ड्राई है, डेंड्रफ होता है, तो उसके लिए ये जो ऑयल है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस ऑयल को यूज करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपने महसूस होगा कि आपके बालों में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, आपके बाल झड़ना बंद हो गए हैं, आपके बाल शाइनी हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं पहले से, और बहुत ज्यादा आपको आपके बालों में इफेक्ट दिखेगा इस ऑयल को यूज करने के बाद। अब बात कर लेते हैं कि इसको ऑयल को यूज कैसे करना है। इसको यूज करने का एक ही तरीका है, जैसे आप नॉर्मल ऑयल यूज करते आए हैं आज तक वैसे ही इसका यूज करना है। इसको थोड़ा सा आप अपनी पाम में ले सकते हैं या फिर कटोरी में डाल सकते हैं, कॉम्ब की हेल्प से आप इसको अपने पूरे बालों में अच्छे से स्कैल्प में मसाज करनी है। और उसके एक घंटे बाद, या अगर आप इसको नाइट में यूज करते हैं तो मॉर्निंग में अपना हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आप इसको एक घंटे पहले लगाते हैं हेयर वॉश करने के तो अच्छे से मसाज करके, ताकि ये स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद अपने बालों को धो सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर था यूज करने का गाइस, एंड ट्रस्ट मी गाइस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं पर्सनली इसको यूज करती हूँ एंड मेरे बालों में बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम थी डेंड्रफ की, बहुत ज्यादा डेंड्रफ हो जाता है गाइस एंड बहुत ज्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम आने लग जाता है तो मेरे बाल बहुत दो मुंह के हो जाते हैं और बेजान हो जाते हैं। इसको यूज करने के बाद जब जब मैं इसका यूज करती हूँ तो मेरे बाल बहुत मुझे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आए अपने बालों में। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि कोकोनट ऑयल की चंपी जरूर करें अपने अपने बालों में, वीक में दो बार करें या फिर वीक में एक बार तो कम से कम जरूर करनी चाहिए।
तो ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो गाइस इस कोकोनट ऑयल के बारे में। तो आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।